इफ यू डोट नो हिंदी दिस वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन नाउ गाइज लेट स्ट स्टार्ट इन हिंदी क्लाउड कंप्यूटिंग की गाइजी हमारी सीरीज चल रही है एंड इससे पहले चार वीडियोज डल चुके हैं हमारा फिफ्थ वीडियो है एंड डिस इंपॉर्टेंट वन ठीक है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर बताइए एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको फटाफट से बना चाहूंगा कि आपको यहाँ पर इंटरव्यू प्रिप्रेशन के रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहते हैं बाकी सबसे आपको बेस्ट पेल लिस्ट अगर मैं बात करूँ तो क्रिप्टोग्राफी की आपको बेस्ट प्ले लिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पर कंपाइर डिजाइन का भी टू द पॉइंट एक्सप्रेशन आपको मिलेगा बेस्ट एक्सप्लेसन इन हिंदी इफ यू हैव दैट सब्जेक्ट चेक कीजिएगा आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के मतलब लिटरली इंटरेस्ट भी आएगा और बहुत ही टू द पॉइंट एक्सप्रेन आपको मिलेगा बाकी बहुत सारी प्लेलिस्ट है मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो दिखाने वाला हूँ यू कैन सी 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 मै 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 मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख के रखे हुए आल शो यू एट द एंड ऑफ द वीडियो नॉ लेट स्टार्ट सो सोईस अगर हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर की दो पार्ट्स होते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड होते हैं बेसिकली फ्रंट एंड क्या है बेसिकली हमारा जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है मतलब जो हमारे को वेबसाइट दिख रही है हम उसको क्लिक कर रहे हैं बटन को क्लिक कर रहे हैं इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके साथ राइट तो वो हमारा हो गया क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही चीज मैंने लिखी लिया है फ्रंट एंड में आपका है क्या इट इज़ यूज बाय द क्लाइंट ठीक है हम लोग इसको यूज करने वाले हैं आप और मैं इसको यूज करने वाले हैं नाउ कंटेंस ऑल दी क्लाइंट साइड इंटरफेसेस एंड एप्लीकेशन दैट आर रिक्वायर्ड टू एक्सेस द क्लाउड प्लेटफॉर्म तो बेसिकली बस वही हो गया कोई भी आपकी अगर जैसे वेबसाइट होती है ना आप उसको एक्सेस करते हो फॉर्म वगैरह फिल करते हो तो आपका फ्रंट एंड हो गया जो हमको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे वेबसाइट तो हमारा फ्रंट एंड पार्ट हो गया तो बेसिकली बस वही है हमारा ये फ्रंट एंड का क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम इसको बोलते हैं बाकी जो हमारा फ्रंट एंड एंड बैक एंड होता है इस दट इज कनेक्टेड वाया इंटरनेट दैट इज कॉमन सेंस ठीक है वी ऑल नो दैट नाउ इसमें हमारे कुछ यार कॉम्पोनेंट्स होते हैं इन कॉम्पोनेट्स को हम फटाफट से समझते हैं पहले हम देख लेते हैं बैक की थोड़ी सी मैंने यहां पे लिख के रखी है थ्योरी फिर उसके बाद मैं आपको एक एक कॉम्पोनेंट पूरा डिटेल में समझाने वाला वालों बैकेंड में क्या है इज इट इज ऑब्वियसली यूज बाय द सर्विस प्रोवाइडर ठीक है कोई भी जो आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है बैकेंड हमारा बेसिकली वही मैनेज करता है ठीक है सब कुछ वही मैनेज करेगा और सर्विसेज भी वही हमको प्रोवाइड करेगा ठीक है सर्विस और जो स्टोरेज वगैरह प्रोवाइड कर रहा है आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन डिटेल अभी दो मिनट में फिर इट मैनेजेस ऑल दी रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड दी क्लाउड सर्विसेज ओके क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज सारे रिसोर्सेज भी ये खुद ही मैनेज करते हैं नाउ इट इंक्लूड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज सिक्योरिटी मैकानिज्म वर्चुअल मशीस डिप्लॉयमेंट मॉडल सर्वर्स एक्सेट्रा ठीक है तो सारी चीजें बैकहेंड में हमारी होती हैं ये तो हमारे को जनरल इंट्रोडक्शन मिल चुका है नाउ फटाफट फट से यार एक एक चीज़ें हम समझते हैं एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि पूरा डायग्राम भी बनाओ प्लस इसका एक एक कॉम्पोनेंट को एक्सप्लेन भी करो इट कैन बी अ फाइव मार्क क्वेश्चन और ज़्यादा भी हो सकता है और बाकी आपकी नॉलेज के लिए भी हो जाएगा ना लेट स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये हमारे सारे कॉम्पोनेट्स हैं राइट एप्लीकेशन कॉम्पोनेट की अगर मैं बात करता हूँ तो एप्लीकेशन क्या है एप्लीकेशन इज नथिंग बट जो भी आप एक्सेस करना चाह रहे हैं राइट अगर आपको लग रहा है कि यार फास्ट में पढ़ा रहा हूँ तो आप अपना प्लेबैक स्पीड भी चेक कर सकते हो वीडियो की चेंज कर सकते हो जीरो पॉइंट सेवन फाइव एक्सपे राइट नाउ एप्लीकेशन इज नथिंग बट जो भी हम एक्सेस करना चाह रहे हैं वो हमारी एप्लीकेशन हो गई गाइज़ लाइक अगर हमको कोई फॉर्म भरना है तो हम उस वेबसाइट पे जाते हैं ठीक है तो वो हमारी एप्लीकेशन होगी जिसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं सर्विस की अगर हम बात करते हैं इस तो जो हमारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो हमको वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ओके इट कैन बी अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस सैस पैस और आई अगर आपको नहीं पता है इसका मैं एक नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आऊंगा प्ले में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी विद इन वन और टू डेज या फिर थ्री डेज़ में वो डल जाएगा ठीक है फिलहाल के लिए बस ये समझिए जो भी हमको सर्विस चाहिए ना जैसे कि हमको अगर स्टोरेज चाहिए या फिर हमको वर्चुअल मशीन चाहिए या हमारे को कुछ भी चाहिए तो ये सारी सर्विसेज जो है हमारे को सर्विस कॉम्पोनेंट प्रोवाइड करता है अब अगर मैं बात करता हूँ कि रन टाइम क्लाउड क्या है हमारा ये कहीं बेसिकली हमारा यार एक इन्वायरमेंट है मतलब रन टाइम इन्वायरमेंट है जो कि वर्चुअल मशीन वगैरह जो हमारी चलती है ना उनको एग्जीक्यूशन के लिए काम आता है राइट नाउ स्टोरेज की अगर मैं आपके लिए आपके साथ बात करता हूँ तो स्टोरेज जैसे कि हमको नाम से पता चल रहा है जैसे कि हमको अगर स्टोरेज वगैरह चाहिए किसी चीज़ के लिए तो ये हमको वो प्रोवाइड करता है बेसिकली जो हमारा मॉडल है तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल यार है ना इट प्रोवाइड्स इट इट अमाउंट ऑफ स्टोरेज कपैसिटी जो कि हमारा जो हमको चाहिए होता है राइट right? नाउ अगर मैं नेक्स्ट कॉम्पोनेट जो कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो यार इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा क्या आपका It will include all your uh, hardware and software components generally. आपका जैसे कि हो सकता है गाइस इस यहाँ पर नेटवर्क डिवाइसेस हो गए स्टोरेज हो गया ठीक है वर्चुअल सॉफ्टवेयर वर्चुअल मशीन एन सो वन बाकी आपको अभी मैं जो मैंने लिख के रखे हैं मैं आपको सारे नोट्स दिखा दूंगा प्रॉपर बाकी ये तो हमारे हो गए पांचों कॉम्पोनेंट नाउ सिक्स कॉम्पोनेंट इज योर मैनेजमेंट कॉम्पोनेट ये हमारा जो कॉम्पोनेंट है यार ये सारी चीज़ें यहाँ पे जितने भी कॉम्पोनेट्स है सबको मैनेज करता है बेसिकली सो इट मैनेजेस ऑल दिस कॉम्पोनेट्स लाइक सर्विस स्टोरेज एप्लीकेशन एंड सो वन नाउ सिक्योरिटी भी आपका एक कॉम्पोनेट ही है जो कि यार पूरा जो आपका बैक है ना उसकी सिक्योरिटी को संभालता है बेसिकली ताकि यार कोई हम ऑब्वियसली अगर कोई क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है यार वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो आप अपना डेटा वहाँ पे अगर आप अपनी कोई ऐप बना रहे हो तो सारा मतलब कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है आपका वहाँ पे स्टोर होगा है ना उनके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हो तभी तो आप वहाँ पे अपना सर्विसेज ले रहे हो तो यार ऑब्वियसली हमको एक सिक्योरिटी चाहिए जो अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे तभी तो हम अपना डेटा दे सकते हैं अब अगर हमारा डेटा लीक हो जाए तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सो दैट्स वाई यहाँ पे सिक्योरिटी मॉडल भी बैक हंड में ही प्रोवाइडेड होता है इन एवरी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर सो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के दो पार्ट हैं फ्रंट एंड बैक एंड फ्रंट एंड में सिंपल जी है फिर इंटरनेट से कनेक्ट होता है हमारा फ्रंट एंड बैक एंड इसमें हमारे पाँच टोटल तो हमारे सेवन कॉम्पोनेट्स हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट एप्लीकेशन सर्विस स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रन टाइम क्लाउ नाउ इसका फटाफट -पड़ से हम लोग रिटर्न फॉर्मेट देखते हैं तो दोस्तों मैंने आपको जो भी सब चीज़ें समझाई है ना फटाफट से मैंने बहुत शॉर्ट में वही सब लिखा हुआ है कि क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर इज नथिंग बट योर फ्रंट एंड कम्पोन जो कि आपका जीओ आई हो गया एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन आपका वही सॉफ्टवेयर हो गया जो कि हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं सर्विसेज मतलब मैनेज विच टाइप ऑफ सर्विस वी वॉन्ट टू एक्सेस अब क्लाउड सर्विसिंग मतलब सर्विसेज क्या क्या होती है यार आपकी एस ए एस दट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ये सर्विसेज गाइड जो आपके होते हैं मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बस एज ऑफ नाउ आप समझ लीजिए हमको कोई भी सर्विस चाहिए जैसे कि हमारे को अगर वर्चुअल मशीन चाहिए या फिर हमारे को स्टोरेज चाहिए या फिर कोई भी सर्विस चाहिए तो ये वो वाला मॉड्यूल हमारा मैनेज कर लेता है ठीक है इसका वीडियो और जल्दी आ जाएगा और प्ले में एड हो जाएगा ना दोस्तों रन टाइम क्लाउड जो हमारा नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है इट प्रोवाइड्स एग्जीक्यूशन एंड रन टाइम इन्वयमेंट टू द वर्चुअल मशीन सिंपल और स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है आपका बेसिकली नॉट मॉड्यूल कॉम्पोनेट राइट एंड इट प्रोवाइड अूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपासिटी इन इन द क्लाउड टू स्टोर एंड मैनीपुलेट द डेटा दट इैनेजोर्ड डेटा राइट तो स्टोरेज आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है क्योंकि हमें यार ऑब्वियसली स्टोरेज हमें चाहिए होती है राइट right? जैसे हम अपना ड्रॉबॉक्स भी यूज कर रहे हैं या फिर अगर अपना क्लाउड सर्विस कोई जैसे कि आपकी हो गई गूगल uh, ड्राइव आप यूज कर रहे हो तो तब अपना डेटा हम स्टोर करते हैं ठीक है थीके? तो वो भी आपका स्टोरेज का एग्जाम्पल हो गया सिमिलरली इंफ्रास्ट्रचर की बात करते हैं तो क्लाउड इफ्रास्ट्रक्चर इक्लूड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट्स लाइक like, सर्वर हो गया नेटवर्क डिवाइस स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर एंड अदर रिसोर्स ठीक है और भी होते हैं नीडेड फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल एंड गाइज यहां तक वीडियो में बने हुए तो आपको वीडियो ऑब्वियसली अच्छा लग लगा तो प्लीज लाइक करिए एंड कमेंट जरूर करिएगा दैट जस्ट मोटिवेट्स अस टू मेक मोर ब्यूटीफुल स्टफ फॉर यू ऑल सो प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड शेयर कीजिएगा जूनियर्स के साथ आई नीड योर सपोर्ट सो ऐसी वीडियो आते रहेंगे एंड आप सपोर्ट करते रहिए भाई को ठीक है फिर उसके बाद हम बात करते हैं अगर गाइज इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देख लिया मैनेजमेंट की तो मैनेजमेंट एक मॉड्यूल है नॉट मॉड्यूल कॉम्पोनेंट है विच मैनेजेस ऑल द अदर कॉम्पोनेंट जो मैंने आपको बताया था जो भी आपके कॉम्पोनेंट्स थे नाउ सिंपली सिक्योरिटी की बात करते तो इट इज़ अ इन बिल्ड बैक एंड कॉम्पोनेंट विच प्रोवाइड सिक्योरिटी मैकेजम बैक एंड जो सब कुछ यार सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बाकी मैं आपको अभी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंटेंस दिखाऊंगा इंटरेस्टेड हो तो बने रहेगा वीडियो में इंटरनेट सिंपली आपका मीडियम है जिससे कि फ्रंट एंड बैक एंड कनेक्टेड हो रहा है राइट right? सोगा इस वीडियो अच्छा लगा सबसे पहले लाइक like और कमेंट करना एंड आपको अगर रेगुलर वीडियो अपडेट सही है मेरे चैनल की तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो स्टोरी फॉर्मेट में सब कुछ आपको मिलता रहता है या फिर मेरे को कोई भी अगर फ्री कोर्स मिल रहा है या फिर कोई जॉब अपडेट मिलती है मैं हमेशा शेयर करते रहता हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो अगर वहाँ भी हो तो आपको वहाँ भी, भी अपडेट मिल जाएगी दोनों ज्वाइन कर लो ताकि जैसी वीडियो आपको पता चलता रहे बाकी भी आपको सारी लिंक्स सोशल प्लेटफॉर्म्स की मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में और कुछ इंपॉर्टेंट प्ले इसी चैनल पर डाली हुई है हिंदी चैनल पर एंड यार इंग्लिश में भी मेरा चैनल है एजुकेटर अभिषेक नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आप जनवली फॉलो करते तो प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को इंपॉर्टेंट प्ले की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे हिंदी चैनल पे आपको क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क सिक्योरिटी की बेस्ट प्लेलिस्ट मिल जाएगी सत्तर वीडियोस डेले में क्रिप्टोग्राफी की कंप्लर डिजाइन की आपको टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन बेस्ट वीडियोस मिल यार डिजाइन में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है तो मैंने लगभग थर्टी डाले हुए हैं एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन के बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं कि कैसे इंटर्नशिप लेनी है क्या पढ़ना है पेपर के लिए कौन सी कंपनी में क्या पूछा जा रहा है सब डिटेल में मैंने डिस्कस किया है आई एम माई सेल्फ इन इन्फोस इंजीनियर स्पेशलिस्ट मैं काम कर रहा हूं तो मैंने सब कुछ इन्फोसिस का इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर किया हुआ इन्फोसिस में कैसे जा सकते हो एंड वट इजी वट इज विटा कैसे करनी है टीसी में कैसे जॉब लेनी है वो सब डाला हुआ है यार देख सकते हो इंटरव्यूज में लिंगलिस्ट पूछा जाता है वो सब डाला हुआ है हिंदी में एक एक प्रोग्राम मैंने एक्सप्लेन किया है जहां पर इंटरव्यू प्ले डाली हुई है सभी चीज़ों को आप चैनल पर चेक कर सकते हो प्लस लिंक सभी चीज़ों के डिस्क्रिप्शन में है ना कंप्यूटर ग्राफिक्स भी डाला हुआ है इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स प्रोग्रामिंग इन सी पॉइंटर्स एटसेट्रा बहुत कुछ डला हुआ है तो जाके की चेक कीजिएगा एंड प्लीज़ वीडियो चला तो लाइक करना एंड जूनियर्स को जरूर शेयर कीजिएगा एंड सपोर्ट करना भाई को एंड तब तक के लिए मिलते हैं किसी अलग अगले वीडियो में एंड टे टाइम टेक केयर गुड बाय जय हिंद वंदे मातरम